किसान जथेबंदियां हुण देश पद्धर दे उत्ते इकट्ठियां लड़न लई तैयार ने। इस मामले नूं लै के गुरनाम सिंह चड़ूनी एक वीडियो दे विच जानकारी सांझी करदे नजर आ रहे ने। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी धड़े दे प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी एक पासे तां प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे। शुरुआत में जो दिल्ली चलो अंदोलन का ऐलान किया गया सी तां तिखी शब्दावली जिहड़ी आ इन्हां प्रदर्शनों नूं लै के वरती गई सी गुरनाम सिंह चड़ूनी वल्लों। पर फिलहाल गुरनाम सिंह चड़ूनी दे वल्लों हुण 14 तरीक की महापंचायत नूं लै के चर्चा की गई है और नाल दी नाल उन्होंने अपने इस बयान दे विच इत्थों तक कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल मिल के यह जिहड़ी जंग है वह लड़ी जाएगी। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल भारतीय किसान यूनियन इकट्ठिया हुंदा नज़र आ रहा है। गुरनाम सिंह चड़ूनी का यह बयान सामने आया उही गुरनाम सिंह चड़ूनी जिहड़े एस के एम गैर राजनीतिक दे वल्लों आरंभी गई यह मुहिम के खिलाफ बोलते नज़र आ रहे सन। जानकारी मुताबिक बलबीर सिंह राजेवाल के नाल गुरनाम सिंह चड़ूनी की एक मुलाकात होंगी, एक मीटिंग होंगी और उस मीटिंग तो बाद अगली रणनीति तैयार की जाती है और इस रणनीति के तहत फिलहाल देश भर के किसानों को अपील की गई है गुरनाम सिंह चड़ूनी के वलों कि 14 तरीक न पहला महापंचायत में आया जाए एस के एम के नाल मिल के यह अंदोलन लड़न के वास्ते। गुरनाम सिंह चड़ूनी जिहड़े ने नौ पर नौ हुए नज़र आ रहे हैं। बी के यू चड़ूनी धड़े के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी जिहड़े ने जिथे पहला प्रदर्शन करने वाले किसानों नूं गालां कढ रहे सी उन्हां दे खिलाफ बोल रहे सी उत्थे गुरनाम सिंह चड़ूनी हुण इस अंदोलन दे विच मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़न दी गल कर रहे ने। फिलहाल किसान अंदोलन हरियाणे दीआं हद्दां दे उत्ते सीमित होया नज़र आ रहा है पर दूजे पासे किसानों नूं इह खुल्ली कॉल सी कि दिल्ली जाया जाए और महापंचायत दे विच हिस्सा लिया जाए। हरियाणे दीआं खापां किसानों दे हक दे विच ने और दूजी गल दिल्ली दे अंदर रामलीला मैदान के महापंचायत रखी गई है 14 तरीक न महापंचायत और उसे लैके गुरनाम सिंह चड़ूनी का वड्डा बयान सामने आया जिस उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पंचायत में हिस्सा लिया जाए और नाल दी नाल इस अंदोलन को अगे वधाउण की गल करते गुरनाम सिंह चड़ूनी नजर आए ने। की कुछ बोले ने आओ सुन लें। साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आपको पता है आज राज्यवाल जी आए थे और जो अगला आंदोलन है हमने एसकेएम के साथ मिलकर लड़ना है तो जो 14 तारीख की दिल्ली की कॉल है रामलीला ग्राउंड पे जाना है वहां पे एक बड़ी रैली करनी है और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सबकी डिमांड थी कि इकट्ठे होकर लड़ें। अब सबका धर्म भी बनता है कि अब ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएं, चाहे हमारी हरियाणा की टीम है, पंजाब की है, राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, सभी टीमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। सभी ब्लॉकों के जिलों के पदाधिकारी जो है वो सबसे एक दूसरे से संपर्क करें, गांवों तक संपर्क करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी गाड़ियां या ट्रेन में जिसको आना है दूर से ट्रेन में आ सकते हैं, अपनी गाड़ियां जो ज्यादा से ज्यादा भाई लड़ने चाहे सभी गाड़ियों पर झंडे होने चाहिए, जिनके पास झंडा ना हो वो अपने स्टिकर बनवा के लगा सकते हैं, जैसे शादी की गाड़ी पर लगता है ऐसे स्टिकर बनवा के लगा सकते हैं। तो सभी ने जोर लगाना है, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। अब आपको अपनी ताकत दिखाने का टाइम है केंद्र सरकार को, तो आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। और जो इधर वाले हरियाणा वाले हैं वो सुबह 9 बजे गनौर के पास मंडी है, सब्जी मंडी जो बनी है जो खाली है फिलहाल, वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे और वहां से इकट्ठे होके फिर जंतर मंत्र पे जो है वो रामलीला ग्राउंड पे जाएंगे। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब आपको अपनी ताकत दिखानी है, आपने ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां निकालनी है, हर गाड़ी की आपकी पहचान होनी चाहिए, तो आपने सबसे ज्यादा जो है वो जोर लगाना है। आप सबका धन्यवाद। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।